हेलो एंड वेलकम दोस्तों रिफाइनमेंट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। अभी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो क्वेश्चन टाइप्स की वो बढ़ रही है, ओके, धीरे धीरे करके बढ़ रही है, ओके। और उसमें ये क्वेश्चन अभी बीच में आ चुका है और वो क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन 31% ऑफ अ नंबर एंड 13% ऑफ द सेम नंबर इज 576। यही वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप कन्फ्यूज हो जाते हो बाय द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, बाय द लैंग्वेज, कि वो लैंग्वेज कहना क्या चाहती है। सिंपल सी बात है, एक नंबर है, ओके। अब उस नंबर का अगर 31% लोगे और 13% लोगे उसी सेम नंबर का, उसका जो डिफरेंस है वो आ रहा है 576। ये है सिंपल सा पहली लाइन का मतलब। अब आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द 17% ऑफ दैट नंबर। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर फाइंड करना पड़ेगा। नंबर फाइंड करने के लिए कोई तो एक इक्वेशन तैयार होगी। इक्वेशन तैयार होने के बाद उसको सॉल्व करोगे, नंबर फाइंड करोगे। नंबर फाइंड करने के बाद उसका 17% लेके जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है उस तक पहुंचोगे। सिंपल सी बात है। कैसे करेंगे, सी पहले तो बोला है 31% ऑफ अ नंबर, मतलब पहले तो एक अजम्पशन करना पड़ेगा कि नंबर अपने को पहले ही पता नहीं है, तो लेट्स दैट नंबर बी एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 31% ऑफ एक्स, एक्स इज अ नंबर, उस एक्स नंबर का जो 31% है माइनस 13% ऑफ एक्स जो है इट इज इक्वल टू 576। बराबर पहले स्टेटमेंट से इक्वेशन आ जाता है आपका, करेक्ट है, सिंपल, ओके। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये ऑफ एक्स जो उसको थोड़ा कॉमन ले लेते हैं, तो ये 31% माइनस 13% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 576। कुछ इस तरीके से हम उसे लेते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। फाइनली क्या आता है यहाँ पे फाइनली आता है इन दोनों का डिफरेंस जो कि ये 18% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 576, लाइक दिस, करेक्ट। तो उसे कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, कुछ इस तरीके से इज इक्वल टू 576, और फिर एक्स जो है वो क्या है, 576 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18, दैट्स वॉट वी आर गोइंग टू गेट। और फाइनली जो हमारा x आता है दैट इज नथिंग बट 3200। ये है वो हमारा एक्चुअल नंबर जो हमने फाइंड आउट किया। ये पहला स्टेप हो गया। अगला स्टेप फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए क्या है कि हमें उस नंबर का 17% फाइंड करना है, यानी इसका 3200 का 17% कैसे निकालेंगे, 17% उसे हम लिखेंगे फ्रैक्शन में ऑफ 3200। अब ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो दो जीरो चले गए, इन दोनों 17 और 32 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, सिंपली आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट 544। यस, दिस इज द नंबर दैट यू आर गोइंग टू गेट। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो 3200 का 17% जो है वो ये आंकड़ा है और यही हमारा फाइनल आंसर है जो कि रिक्वायर्ड था दोस्तों। ये अगर वीडियो समझ में आ गया होगा, स्टेप्स अगर आपने समझ ली होंगी अच्छी तरह, और ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए और उससे भी ज़्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।